वर्टिकल तो मजबूत हो ही, जो क्रॉस बांधते हैं वो रोज बांधते हो, वही कमजोर होती है। दूसरा जो अर्जेंट जिसके लिए अपन ने आज रखा है, ये उस वक्त चर्चा ये हो रही थी कि स्काउट एंड गाइड का डोम पिछले कई सालों से जहाँ लग रहा है ये उससे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। नहीं तो शिकायतें पिछले दिनों आ रही हैं कि दुकानों के माध्यम से या आसपास बने घरों के माध्यम से लोगों को प्रवेश दिलाया जाता है, तो उस पर आज विस्तार से चर्चा हो गई है। और इन सब जितने भी ये प्रवेश द्वार हैं इस तरह के, उनको सबको सील किया जाएगा और एक ही एंट्री रहेगी, एक धर्मशाला है सामने जो मंदिर के पास दिख जाएगा, वहां से सबकी एंट्री एक ही रहेगी। और फिर वो अंदर जो मंदिर परिसर है वहां पर कंट्रोल रूम कैसे रहेगा और अन्य बाकी व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, उसके लिए भी आज फाइनल चर्चा की गई। 24 घंटे दर्शन की सुविधा रहेगी? हाँ, मेले के दौरान 24 घंटे दर्शन की सुविधा रहेगी। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। ट्रैफिक की इस बार हमने पार्किंग भी ज्यादा करवा रहे हैं, अंदर की बाहर की व्यवस्थाओं को भी हम सुदृढ़ करेंगे। अतिक्रमण को भी हम इस बार हमने बड़ी सख्ती से लिया है, अतिक्रमण को भी नहीं लगने दिया जाएगा, ना ही उनकी कोई, क्योंकि अब तो नगर पालिका घोषित हो गई है। पहले ये शिकायत जरूर आती थी कि सरपंच या पंचायत द्वारा उनके कुछ उनको दे दिए जाते थे, उनको कूपन दे दिए जाते थे या इस टाइप से उनको नीलाम कर दी जाती थी मेले से पहले ही, तो वो इस बार व्यवस्था हम क्योंकि अब नगर पालिका है तो वैसे भी बेहतरी होगी। कोई नवीन नई दुकान या नई चीज अतिक्रमण को अलाउ भी नहीं किया जाएगा, उसको बिल्कुल सख्ती से।